हाय एवरीवन, दिस इज़ पूजा सक्सेना। वेलकम टू पूजा सक्सेना चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का अपठित गद्यांश। ये गद्यांश आपको सी टेट परीक्षा, एम पी टेट परीक्षा में हेल्प करेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो अपठित गद्यांश होते हैं या अपठित पद्यांश होते हैं, इनका बहुत बड़ा पार्ट होता है हिंदी भाषा के अंतर्गत किसी भी टेट परीक्षा में। गद्यांश और पद्यांश से बच्चों लगभग 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपठित गद्यांश पर। चलिए, इसे अपठित अनुच्छेद भी बोला जाता है। पढ़ लेते हैं गद्यांश। कई बार कई शिक्षकों द्वारा आपको ये सुनने में आया है कि जब भी हम गद्यांश को सॉल्व करते हैं तो हमें गद्यांश के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें पहले देख लेना चाहिए। हाँ, इसमें कोई दुराह नहीं है, बिल्कुल सही है ये बात। लेकिन कभी कभी हम अगर पूरा पैराग्राफ एक बार पढ़ लें फिर हम क्वेश्चंस को देखें तो भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि पैराग्राफ किस पर बेस्ड है, तो उन जो कठिन शब्द हैं या अपरिचित शब्द हैं उनको हम अंडरलाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, पहले पढ़ते हैं इसे। दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। तो इसमें दिया है आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे। तो यहाँ ये शब्द जो है वो थोड़ा सा अपरिचित है हमारे लिए, घुमक्कड़, है ना, तो इसलिए इसको यहाँ लगा दिया हमने अंडरलाइन। यहाँ से वे घूमा ही करते थे, घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते वे भारत पहुँच गए। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने ना धारण किया होता, तो यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। यानी कि जो आदिम आर्य थे वे घुमक्कड़ थे, इन्होंने बता दिया है। और घुमक्कड़ यहाँ आदिम आर्यों की बात हुई है, घूमने फिरने वाले लोगों की बात हुई है। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, यानी यहाँ बात किसकी हो रही है, भगवान बुद्ध की, तो आपको अंडरलाइन करना है भगवान बुद्ध को। भगवान महावीर घुमक्कड़ थे, माने कि इस जो पूरा पैराग्राफ है अब हमारी समझ में आ गया कि यहाँ बात किसकी हो रही है, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की, ठीक है। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान पर रहना बुद्ध के वश में नहीं था, बुद्ध की बात हो रही है। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, तो ये चीज़ हो सकता है कि हमको देखने को मिले क्वेश्चंस में। 35 वर्ष से 80 वर्ष तक की आयु, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई, अर्थात 45 वर्ष के अंतराल में वो निरंतर घूमते रहे, तो ये भी बात हो सकता है कि हमसे क्वेश्चंस में पूछी जाए। तो इंपॉर्टेंट जो लाइन है उन पर आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे, ये हम सभी जानते हैं और इस पैराग्राफ से बिल्कुल डिस्कस और कर लिया हमने कि यहाँ पर बात हो रही है घूमने फिरने वाले लोगों की और भगवान की। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा कि चरत, ठीक है, तो इस चीज़ को हमको अंडरलाइन करना है कि अपने शिष्यों से उन्होंने कहा क्या, चरत बिकवके भिकखवे चारिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो, यद्यपि कभी भारत के बाहर वे नहीं गए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है अंडरलाइन करना है कि इससे रिलेटेड हो सकता है हमको कुछ मिल जाए, हमारे लिए नई है। किंतु उनके शिष्य ने उनके वचनों को सिर आँखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। तो ये देखकर ही समझ में आ रहा है कि यहाँ से ज़रूर क्वेश्चंस बनेंगे, तो इन्हें आप अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं, श्रावण में महावीर स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों को त्याग दिया। अब बात हो रही है बुद्ध के बाद किसकी, महावीर की, तो महावीर जी के लिए जो भी कहा गया उस पर भी आप कुछ विशेष शब्दों पर अंडरलाइन कर सकते हैं। महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों को त्याग दिया था, ठीक है ना, तो ये पूछा जा सकता है किसने अपने वस्त्रों को त्याग दिया था। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया, वैशाली में उन्होंने जन्म लिया, तो ये बात पूछी जा सकती है महावीर स्वामी के बारे में। पावा में उन्होंने शरीर का त्याग किया, तो ये भी पूछी जा सकती है। वे भी जीवन पर्यंत घूमते रहे मानव कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए, और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर, यानी शंकराचार्य की बात भी हो गई यहाँ पर, इन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया, कभी केरल, कभी मिथिला और कभी कश्मीर, कभी बद्रिकाश्रम वे घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र उन्होंने बना लिया। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, ऋतु धर्म की रक्षा के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए, शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो ये लाइन भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए, पहला ही क्वेश्चन हमें पहली लाइन से मिल गया, हमने पढ़ा था घुमक्कड़ शब्द, तो यहाँ हमने क्या इस क्वेश्चन पूछा है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा
प्रत्यय है, यानी कि यहाँ गद्यांश और पद्यांशों के अंतर्गत आपसे क्या पूछी जा रही है, ग्रामर, ठीक है। तो कौन सा प्रत्यय है, अक्कड़, ड़, अड़ या कड़? तो आप इसका आंसर जानते होंगे कि घुमक्कड़ में घुम धन अक्कड़, तो जो अक्कड़ होता है वो आपका प्रत्यय होता है। फिर भी इसे हम डिटेल में जान लेते हैं। घुमक्कड़ शब्द में घूम यानी कि क्या है, घूमना मूल शब्द है और अक्कड़ प्रत्यय है। जैसे पियक्कड़, भुलक्कड़, ये सब में अक्कड़ प्रत्यय जो होता है प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? यही बोला था हमने कि भाई महावीर स्वामी के जन्म को लेकर बात आ सकती है और हमने उस पर अंडरलाइन भी किया था। तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो जल्दी से हम अपने पैराग्राफ में जाएंगे, अगर आप भूल गए हैं या कंफ्यूज हो गए हैं तो देखिए, वैशाली में जन्म लिया था और पावा में उन्होंने शरीर त्याग दिया था। ये लाइन हमने अंडरलाइन की थी, तो आपको तुरंत इसका आंसर यहाँ से मिल जाएगा कि महावीर स्वामी थे जो उनका जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था, ठीक है। केवल 6 क्वेश्चन है, 2 हम कर चुके हैं। स्वच्छंद में कौन सी संधि है, तो मैंने इसको भी अंडरलाइन करवाया था कि कुछ नए शब्द हैं उनको आप अंडरलाइन कीजिए। तो देखिए बिल्कुल सरल हो गया पैराग्राफ, स्वच्छंद में कौन सी संधि है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि स्वच्छंद में जो संधि होती है, देखिए विसर्ग तो नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पर जो है व्यंजन है और चा है, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण की ही आवृत्ति दीर्घ हो नहीं सकती, क्योंकि दीर्घ के लिए बड़ा कुछ होना चाहिए, तो ये भी गड़बड़ हो गया। गुण संधि होती तो आपको स्वर और व्यंजन मिलते, है ना, स्वर और व्यंजन मिलते हैं। लेकिन चूँकि आधा चा जहाँ आया है, तो आधा चा से ही समझ में आ रहा है कि ये संधि कौन सी है। व्यंजन और इसको डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। ये व्यंजन संधि है, इसका संधि विच्छेद भी मैं आपको बता देती हूँ, स्व धन छंद, ठीक है। इसमें ये छेद सूत्र जो होता है इससे चा का आगम हो जाता है, ठीक है। ये संधि विच्छेद है, जब आधा वा छा से मिलता है तो यहाँ पर चा का जो होता है आगम हो जाता है। जब आप व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज़रूर, या तो आपने पढ़ रखी होगी या फिर जब मैं व्यंजन संधि पढ़ाऊँगी तो आपको बिल्कुल बता दूँगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा था महात्मा बुद्ध के बारे में। देखिए हम एक बार और फिर पैराग्राफ पर चले जाते हैं, अगर आप भूल भी जाएं तो भी फटाफट देख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया था, ये सारी चीज़ें की थी कि हमने अंडरलाइन किए थे, है ना। महावीर स्वामी घुड़क थे, यहाँ हमने देखा था जो बुद्ध है ना, हमने कुछ ऐसा देखा था कि शायद 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। हाँ ये लिखा हुआ, देखिए 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया था, ठीक है। चलिए माने कि हमारे सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमने पहले ही अंडरलाइन कर रखे थे। चलिए श्रुति धर्म का अर्थ क्या है, तो श्रुति धर्म का अर्थ क्या है, हमने श्रुति धर्म कहाँ पढ़ा है, देखें अपन एक बार चेक कर लेते हैं, श्रुति धर्म हमने कहाँ पढ़ा है। तो हम अपने पैराग्राफ में देखेंगे कि जो श्रुति धर्म है वो हमने यहाँ पढ़ा था, ठीक है। तो किसके लिए पढ़ा था देखते हैं, शंकराचार्य 12 वर्ष की आयु संन्यास, कभी केरल कभी मिथिला, माने हमने सबसे लास्ट में पढ़ा, माने तीनों धर्मों की यहाँ जो है श्रुति धर्म के लिए बात हो रही है। श्रुति धर्म के लिए बात किसकी हो रही है, तीनों धर्मों के लिए बात हो रही है। एक तरीके से जो श्रुति धर्म है वो हम ऑप्शन देख लेते हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म या वैदिक धर्म। तो फिर हम गद्धा के अनुसार, जो गद्ध हमारा कह रहा है वो कह रहा है श्रुति धर्म का अर्थ होता है वैदिक धर्म, ठीक है। जो तीनों की बात हुई इसमें, वेद के संबंध में जो धर्म होता है उसे कहते हैं श्रुति धर्म, ठीक है, जिसमें विभिन्न ऋषियों ने देवताओं से वेद के मंत्रों को सुनकर उनकी रचना की थी, अतः वेद को ही श्रुति एवं इससे निष्पित या जो उत्पन्न होता है धर्म उसे श्रुति धर्म कहते हैं, ठीक है। चलिए हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है, तो ये ध्यान रखना ये एक पेडागोजी से रिलेटेड लेकिन गद्यांश से संबंधित प्रश्न है। पूर्व ज्ञान प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात या मौन वाचन के पहले हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन कब आता है, तो आप ध्यान रखिए जब भी उद्देश्य कथन की बात होगी तो
प्रस्तावना प्रश्न के उपरांत ही आएगा, माने पहले प्रस्तावना होगी किसी भी संदर्भ में और फिर उसके बाद उद्देश्य कथन होगा। चलिए, आपको पैराग्राफ अच्छा लगा होगा और आपको पैराग्राफ अच्छा लगता है और यह इस चैनल पर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें।